हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कहा था, मैं इस व्लॉग में मेरी फैमिली के साथ आपको मिलवाऊंगा। तो ज़रूर मैं आपको मेरी फैमिली से मिलवाऊंगा। चलते हैं, सबसे पहले मिलते हैं रियल की शर्मिला से। जी हाँ, जो शर्मिला का कैरेक्टर है वो मम्मी से इंस्पायर्ड है मेरे, सच में। तो चलते हैं, मिलते हैं मम्मी से सबसे पहले। तो ये है मम्मी। हेलो मम्मी, हाय। हाय। तो मम्मी ने आपको देखा होगा फन विद फैमिली के चैनल के ऊपर, जो हमारा न्यू चैनल है। तो न्यू चैनल नहीं, बहुत पुराना है। हमने शुरू किया था एक जब, साल हो गया हाँ, 1 साल हो गया नहीं हुआ। ना, इधर 1 अगस्त में बापा थी। बापा आएगा हाँ, कभी। जब पापा आएंगे तब 1 साल कंप्लीट होगा। तो फन विद फैमिली के ऊपर भी हम एपिसोड डालने वाले। पहले अभी दीदी का जो एग्जाम है वो जब हो जाएगा तब हम उसके ऊपर सीरीज लाएंगे। वो सीरीज होगी बहुत अच्छी। अब वो सीरीज में क्या क्या होगा वो आपको फन विद फैमिली चैनल के ऊपर दिखेगा। क्यों हम मम्मी? सब दिखेंगे उसके ऊपर। हाँ सब। तो ये हमारा किचन में चाय हो गया, हो गए। चाय। तो शर्मिला का जो कैरेक्टर है वो मम्मी से इंस्पायर्ड है। जो शर्मिला है, हाँ मम्मी इतना टोटका तो नहीं करती पर ये करती मम्मा है। टोटका वोटका नहीं करता मुझे पे। टोटका तो नहीं करती पर नजर जरूर उतारती। कैसी उतारती मम्मी नजर? क्या क्या चाहिए नजर उतारने के लिए? नजर तो निकले, बाल भी लगते हाँ, बाल हैं, चाहिए आटा होते, लगता आटा है, लगता है, नमक नमक लगता लगता है। फिर है। मम्मी ऐसी मेरे ऊपर से नजर उतारती है जब भी मैं कभी बाहर से घर आता हूँ या फिर हम कुछ का लेख होता है ना, कभी कभी ऐसा बुखार आ जाता है बीच में। हमें भी सिखाया हमारे दादी माँ ने, उनका देख देख के किया है हमने तो ये परंपरा है घर भी। की। पर शर्मिला को मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही प्रो दिखाया उसमें। वो कुछ ज्यादा ही करती है, जो कुत्ती है वो कुछ ज्यादा ही है। बट ओवरऑल जो कैरेक्टर है शर्मिला का, जो मेरी मम्मी से इंस्पायर्ड है। तो अभी चलते हैं दीदी के रूम में। क्यों मम्मी, दीदी का है? उसके रूम में दीदी बेटा। तो अब मैं आ चुका हूँ दीदी के रूम में। मैं ये रूम ज्यादातर दिखाता नहीं, और ये है हमारी दीदी बिकॉज इसकी वजह से, क्योंकि ये यहाँ पे दिन भर स्टडी करती रहती है। कौन सी किताबें? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। और उसको पसंद नहीं है कौन सा? फिजिक्स। बचपन में भी वो जब बचपन में मतलब वो जब आती थी घर पे तो फिजिक्स के पेपर का इसका मुंह देखने लायक होता था। चुप कर अभी ना। भी उसको फिजिक्स बहुत टफ जाता है। तो ये जो है, ये सब, ये इसकी दीवारों पे सब आपको ऐसे कागज दिखेंगे। तो ये सब ऐसे चिपका के रख, इसलिए मैं ये रूम नहीं लेता क्योंकि यहाँ पे ये सब होता है और हम दीदी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे। कब है एग्जाम? साथ में तो एग्जाम है 7 मई को, और दीदी का जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब हम फन विद फैमिली के ऊपर वीडियोस डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते फन विद फैमिली की फन विद फैमिली की जो ननंद है वो अभी तक नीट भी नीट की एग्जाम देने वाली है वो। और भाभी तो आपने देख लिया, भाभी कुछ काम धंधे करती है नहीं? भाभी भाभी तो कुछ काम धंधे करती नहीं, तो भाभी दिन भर फ्री होती है। दिन भर फ्री नहीं, काम होता है भाभी को भी। पर ननंद को बहुत वैसे सारे काम होते हैं। हाँ, ननंद को पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम होते हैं। और जैसे कि आपने आपको मालूम होगा हमारे जो है वो श्रेया का कैरेक्टर है, तो वो श्रेया का कैरेक्टर बिल्कुल सेम इसी की तरह है। बचपन में जो हरकतें इसने की है वही श्रेया भी करती है। इसकी वजह से मैंने बहुत मार भी खाया है और इसकी कैडबरी भी खाई है। अभी भी उसकी थी, उसने मुझे दिखा के खाई है कल ही, मुझे वो मौका नहीं मिला खाने का। और वो जो सारे जो कैरेक्टर मैंने, बस उसका ये नहीं है ना, ये मतलब दीदी का। हाँ, एक मिनट। ये देखो रियल लाइफ श्रेया आ चुकी है, और श्रेया का आवाज भी दीदी जैसा ही है। दीदी बोलो कुछ, हेलो बोलो। हेलो। हाँ, तो ये देखो, ये मैंने श्रेया का लिया था। हाय, कैसे हो आप? मम्मी बोलो। हाँ बोलो। तो ये है रियल लाइफ श्रेया और ये है रियल लाइफ शर्मिला। मम्मी बस मम्मी है, अगो भाई नहीं बोलती है ना मम्मी? क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा ही मैंने टिपिकल मराठी दिखाया है, क्योंकि शर्मिला बहुत बाई बाई करती है या फिर अगो भाई, जो कि काफी टिपिकल है। अभी हम इतना घर में तो नहीं बोलते बट ऐसा अगर हो गया तो बोलती है मम्मी। वो ज्यादा पुणे साइड में यूज होता है, मतलब वहां पे ज्यादा बोलते, इधर नहीं ज्यादा हम बोलते। और देखो ये इसका कमरा, ये भी दिखाना है। सब जगह पे किताबें किताबें। अभी वो बाबा स्टडी चल रहे ना अभी। हाँ देखो, साइड ले रही है दीदी की, अभी स्टडी चल रही है उसका, उसका स्टडी चल। हाँ देखो, उसी की साइड लेते हैं सब घर में। अभी स्टडी चल रही है तो फिर क्या हो गया, थोड़ा सा तो साफ सफाई कर सकती है ना रूम का। बस बस बस।
निकलो अभी ये भगा रही है मुझे और ये हर बार बहाना देती है कि मुझे बहुत स्टडी है इसलिए ये ऐसा दिखता है। और काफी ज्यादा किताबें हो चुकी है इसकी, अभी 7 मई के बाद ये सारा कमरा हम चेंज कर देंगे, है ना। 7 मई को है इसकी नीट, जो बहुत बहुत मजा आने वाला है उस दिन इसके लिए। और इसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन ये जाएगी, पता नहीं क्या होगा उस, वो शाम का इंतजार है जब ये देखे आएगी वो क्योंकि जब ये एग्जाम देखे आएगी तब देखने वाला मजा होता है क्या क्या उसने लिखा है पता चलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैंने आपको कहा था मैं आपसे, पापा रह गए, पापा का है तो अभी हम जा रहे हैं पापा के रूम में। पापा हाय करो। हेलो। हाय, ये है पापा, कैमरे में देखो। हाँ देखो, मम्मी बता रही है, मम्मी जाओ आप जाओ, मम्मी बता रही है ऐसे हाय करो, ऐसे हाय करो। मम्मी बहुत एक्सपर्ट है इस चीज में, देखो कैसी भाग गई। मम्मी बताओ आप आके। मम्मी बोल रहे ऐसे करो ऐसे करो। तो ये है पापा और ये पापा का कमरा है, जिसने आपने देखा होगा ये हमारे वीडियो में भी पापा का एक कमरा दिखाया है, शर्मिला का एक कमरा दिखाया है, तो रियल में भी वही है। मैंने कहा था हमारे घर में बिल्ली भी है और बिल्ली की हम बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं या फिर ख्याल है बिल्ली का, बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे भी हो गए, लगा नहीं था इतनी जल्दी हो जाएंगे पर हो गए। तो उसके जो बच्चे वो दीदी के कमरे में ही है और वो हमेशा यहीं पर अपने बच्चे देती है। मंगे एक मिनट। अयो अयो कौन है तू, मंगा। अरे उठ नको उठ नको। उसके 3 बच्चे हुए, आप देख सकते हो तीनों की शक्लें, एक थोड़ा अलग है ये, उसको पहली बार ऐसा बच्चा हुआ है, थोड़ा सा अलग नहीं तो उसको सब अपने जैसे बच्चे होते हैं। हाँ देखो अंधेरे में दिख भी नहीं रही वो। उसकी सिर्फ आंखें दिख रही है और ये ज्यादा नहीं देखते अभी बिकॉज हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनका फैमिली टाइम है, उनको उनका फैमिली टाइम एंजॉय करने देना चाहिए। अभी 1 महीना वो यहीं पे रुकेगी और फिर आएगी, इसकी 5th टाइम है, अभी 5वीं बार है बच्चों का। और जब बच्चे होने से पहले काफ़ी जगह घूमती है, हर इधर कूदती है उधर कूदती है और फिर आकर यहीं पे बच्चे देती है। उसका फेवरेट स्पॉट है ये दीदी का कमरा और हमेशा इसी कोने में वो बच्चे देती है। और उसका एक और बड़ा बच्चा है, मैं आपको दिखाता हूँ उसको। इसको आपने देखा होगा, आया था 1-2 बार दादी के साथ और ये दिखाई भी नहीं दे रहा, देखो ये बिल्ली का सबसे पहला वाला बच्चा है। अरे ये बिल्ली का सबसे पहला बच्चा है जो रह गया है, जिसको किसी ने मतलब लेके नहीं गए, वो हम यूजुअली बच्चों को देते हैं पर इसको नहीं दिया हमने, एकदम जब पहली बार हुआ था तब का है, मतलब उसको 1.5 साल हो गए, हमारे बिल्ली को 3 साल हो गए तो ये तब का है, इसको भी 1.5 साल हो गया। अभी मम्मी के साथ नहीं रहता अभी, है अभी ये बड़ा हो गया, अभी अकेला ही रहता है ये। और इसका नाम है गुटर, इसको हम गुटर बोलते हैं और मम्मी गुंडरिया कहती है। और देखो देखो नाखून मार रहा है, नाखून मार रहा है ये ऐसे ही बदमाशियां करता है, इसको घर में भी नहीं रहेगा। हाँ नाखून मार दिया इसने, इसे नाखून मारता ही। और ये देखो, हाँ ऐसे लाड़ प्यार चाहिए उसको, हाँ देखो ऐसे लाड़ प्यार चाहिए। नको को रहता था, नाक नको मारते थे। तो ये थी हमारी फैमिली, जो कि वीडियोस के समय तो आपको नहीं दिखती, एकदम शांत हो जाती है, पर बहुत ज्यादा क्रेजी फैमिली है, और जो कि जब वीडियो शूटिंग शुरू होता है तब सब अपने अपने कमरे में घुस जाते हैं, तब आपको बिल्कुल आवाज नहीं आता होगा, पर आपने देखा रियलिटी में सब सबको मैंने आपको दिखाया, जो जो मैंने कैरेक्टर से वो सब इंस्पायर्ड है मेरी फैमिली से। हाँ पापा का कैरेक्टर वैसा नहीं है, पापा हमारे बहुत शांत है, जो वो शर्मिला के हस्बैंड दिखाए वो थोड़े से अलग टाइप के, बट मम्मी और दीदी ये दो जो कैरेक्टर है वो एकदम डिट्टो वैसे ही है जैसे हमारे घर में है, सिवाय मम्मी का टोटका के, मम्मी इतना टोटका नहीं करती। हाँ वो नज़र उतारना या फिर दृष्टि कहते हैं हम उसे, वो करती है बट इतना नहीं करती, जो शर्मिला ऐसे 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 करती है। आज संडे है, मुझे अच्छा लगता है संडे क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है और सोचने के लिए कहानी थोड़ा सा और ये वो, तो आज संडे में थोड़ा सा और प्रिपरेशन करूँगा। नेक्स्ट एपिसोड हमारे यहाँ पे न्यू कैरेक्टर आने वाला है, वो न्यू कैरेक्टर का रूम या फिर कमरा या फिर सब थोड़ा सा मुझे डिस्कस करके उसके प्लॉट ट्विस्ट वो क्या कैसे करेगा,
तो बहुत काम है, आज मैं सब एग्जीक्यूट करूंगा और फिर कल से एपिसोड फिर से शुरू हो जाएंगे। वैसे आज शाम को आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, पता नहीं वो सरप्राइज क्या होगा, यूट्यूब चैनल पे आएगा शाम को मेरे फन विद प्रसाद पे, वो सरप्राइज शाम को ही पता चलेगा, स्पेशल कुछ होने वाला है शाम को, तो देखते हैं क्या होता है। जुड़े रहिए ऐसे ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, नेक्स्ट हाँ वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा थोड़ा सा घर से हटके। तो चलते आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हाँ व्लॉग में, बाय।